दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एटीएम काटकर नकदी चुराने वाले मेवात के गिरोह के बदमाश शाहरुख खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस 3 बदमाशों को पहले गिरफ्तार कर चुकी है। गिरोह के बदमाश दिल्ली, मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों में 5 से ज्यादा एटीएम को काटकर 87 लाख रुपए चुरा चुके हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल व 2 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार दिल्ली में एटीएम काटकर नकदी चुराने की घटनाओं को देखते हुए एसीपी अतर सिंह की देखरेख में इंस्पेक्टर रंजीत सिंह की टीम गठित की गई। 3 महीने की जांच के बाद पुलिस को 27 जनवरी को सूचना मिली कि गिरोह का बदमाश शाहरुख जीत सिंह मार्ग अच्छिनी में आएगा। पुलिस ने यहां घेराबंदी कर गांव सोंद जिला नू निवासी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अपने साथियों के साथ 6 महीने में दिल्ली व मध्य प्रदेश में 5 एटीएम को काटकर 87 लाख रुपए से ज्यादा चुरा चुका है। गिरोह के बदमाश ऐसे एटीएम को निशाना बनाते थे जिन पर सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं होते थे। आरोपी वारदात करने से पहले रेकी किया करते थे, इसके बाद सीसीटीवी कैमरे पर काले रंग का स्प्रे छिड़क देते थे, फिर गैस कटर से एटीएम को काटकर कैश ट्रे चुरा लेते थे। आरोपी पेशे से ड्राइवर है, यही अन्य आरोपियों को गाड़ी चलाकर वारदात वाली जगह पर ले जाता था। टीवी 100 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मंदिर दर्शन, बॉलीवुड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, फैक्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।